हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो जानकारी है हमारी वीडियो के दोस्तों, वो है कौंच के बारे में। जी हाँ, पुरुषों के लिए वरदान से कम नहीं है कौंच। रोजाना अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर रहेंगे तंदुरुस्ती। जी हाँ दोस्तों, कई पुरुष पिता बनने में अक्षम रहते हैं, इसकी वजह से सारी कमी या अन्य कारण हो सकते हैं। पुरुषों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, पुरुषों में इस कमी को दूर करने के लिए कौंच के बीज का प्रयोग किसी रामबाण से कम नहीं है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर मेरे वीडियो में बता रहे जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जो आयुर्वेदिक दवा है, ये आज भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे। आज भी उतना ही ज्यादा प्रभावी है, उतना ही ज्यादा कामयाब है जितने पहले हुआ करते थे। जानकारी के अभाव में, जानकारी न होने की वजह से हम इनके प्रयोग को भूलते जा रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कौंच की ना, तो इसका मांग विदेशों में काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि आपके पुरुषों में होने वाले जो यौन ताकत है उसे बढ़ोतरी करने का काम करता है। कौंच के बीज में प्रोलेक्टिन नामक एक हार्मोन्स पाया जाता है। जी हाँ, ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है ये हार्मोन्स, और ये टेस्टोस्टेरोन का भी उत्पादन करता है। पुरुषों के लिए आप सभी को पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कितना ज्यादा कहा जाता है दोस्तों, आवश्यक होती है पुरुषों की शारीरिक अक्षमताओं को दूर करता है। इसे जो है ना दूध के साथ लेने से, है ना, इसके बीज आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अमेजोन से कोई भी इसे परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट है। मैं कंपनी का नाम ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने बीज इसके मंगा करके देखे हैं। तो इसके बीज को पाउडर बना लेना, सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर ले, और एक एक चम्मच की मात्रा में अगर दूध में मिला करके पिया जाए तो शरीर में दोस्तों ये प्रजनन क्षमता को बढ़ा देता है। जी हाँ, प्रजनन क्षमता को बढ़ा देता है। अगर बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, उन्हें समर्थवान बना देते हैं। कौंच के बीज के नियमित रूप से सेवन करने से जो थकान होता है, सारी कमजोरी होती है वो भी दूर होती है। इससे बॉडी तंदुरुस्त बनी रहती है, ये हार्मोन्स के बैलेंस को भी संतुलित बनाए रखने का काम करता है। कौंच के बीज खाने से पीनियल ग्रंथि पर ये सक्रिय होती है दोस्तों, जिससे नींद आने वाले कहे जाते हैं दोस्तों। एक प्रकार के हार्मोन्स होता है मेलाटोनिन, ये उत्पन्न करता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को अगर तनाव रहता है, दिन भर नींद नहीं आती, तो कौंच के बीज आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध में डाल करके पीते हैं तो अच्छी से नींद आते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें डोपामाइन की बहुत अधिक मात्रा होती है, और यह यौगिक प्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है। आप मेरे टाइटल को देख कर क्या है कि उत्तेजित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, और स्वास्थ्य जो हार्मोन्स रहते हैं उसे पूरा जीवन भर बनाए रखने का काम करता है। बढ़ती उम्र का असर इसलिए आपके चेहरे पर नहीं दिखता। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग अपना यौन ताकत बढ़ाना चाहते हैं ना, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो कौंच के बीज खाने से ये टाइमिंग को भी बढ़ाने का काम करता है। कौंच के बीज में प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर तत्व पाए जाते हैं जो कि मांसपेशी के विकास में काफ़ी मदद करते हैं। इससे शरीर को दोस्तों एनर्जी भी मिलती है, और कौंच के बीज तंत्रिका और संज्ञानात्मक गतियों को नियंत्रित करने में भी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। मतलब अनिद्रा से छुटकारा देती है, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। इसके सेवन से आलस से छुटकारा पाया जा सकता है, और शरीर को एनर्जी दिन भर मिलते हैं, इससे शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। साथ ही साथ कौंच के बीज में मौजूद पोषक तत्व इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है, इससे संक्रमण नहीं होता। और आज भी मार्केट में दोस्तों देखना, सेक्सुअल संबंधी जो भी दवा बन करके आते हैं उसमें कौंच का बीज या दोस्तों अश्वगंधा का बीज बिल्कुल ही मिलाए जाते हैं। कौंच जो होता है ना, आंतरिक रूप से हमारे शरीर की कहा जाए तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, खोई हुई स्टेमिना को फिर से वापस लाने का काम करता है, जिससे आपके टाइमिंग बढ़ता है। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताना, और दोस्तों कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो में बता रही जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।